ऑफ वेस्ट मैसिडोनिया। हम अभी ग्रीस के अंदर अभी भी दाखिल हुए हैं, उनका वेस्ट मैसिडोनिया का जो रीजन है ये वो है। तो यहाँ से अभी हमारा रास्ता है टुवर्ड्स इंशाल्लाह ताला इस्तांबुल। नया मुल्क, नए लोग, नई जगह। बड़ी देर बाद अच्छी रोड मिली है और इधर जो करेंसी है वो यूरो है। पहले मैं समझा था यहाँ कुछ और है, लेकिन बाद में मुझे याद आई तो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, तो करेंसी इधर यूरो है। और टुवर्ड्स जाएंगे तुर्की, टुवर्ड्स ही बल्कि इंशाल्लाह टू टुर्की जाएंगे। मोटरवे पे हम लोग रवान हुआ हैं टुवर्ड्स इस्तांबुल। अभी बॉर्डर छोड़े हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हुए हैं अल्बानिया से ग्रीस में एंटर हुए, और उसके एंटर होते साथ ही 2 स्पीड रडार आ चुके हैं। ज़बरदस्त रोड है, गाड़ी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रही है, ट्रैफिक भी यहाँ सही लग रही है, ज़्यादा नहीं है। सीनरी यहाँ की बहुत प्यारी है, और मुझे नहीं पता कि GoPro दिखा सकेगा कि नहीं, लेकिन जो आँख की नज़र है ना वो आँख ही होती है बेसिकली। तो आप वो कैमरे में नहीं देख सकेंगे, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी है। बड़े प्लेन, थोड़े यूरोप से थोड़े से ना हट के हैं, टिपिकल यूरोपियन स्टाइल नहीं है। जो मैंने नोट किया है कि इधर इस वक्त यूनान ग्रीस में जो गंदम की कटाई है वो हो चुकी है, जबकि इन्हीं दिनों में फ्रांस में, जर्मनी में, इवन क्रोशिया में भी गंदम की कटाई अभी नहीं हुई थी। फसल पक चुकी थी लेकिन कटाई भी बाकी थी, लेकिन यहाँ जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं सारों में बिल्कुल ये कटाई हो चुकी है। लेकिन ये कुछ लिखा हुआ है समझ हमें बिल्कुल नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग आ गए हैं जी इनके एक शहर है, थोड़े नाम नहीं बताता, मुझे खुद नहीं पता, थैसोफलोनोसिया पता नहीं क्या नाम है। तो अभी देखें जी उसके सेंटर में एक रास्ता जा रहा है, एक जा रहा है पोर्ट में। हाँ जी थैसोलोनोकिनी इसका कोई नाम है, एनीवेज तो बस हम सेंटर में थोड़ी देर जाएंगे, एक राउंड सा मारेंगे साथ में। मैं गाड़ी फ्यूल अप कराऊंगा क्योंकि जनरली मैं गाड़ी जो है वो मोटरवे से फ्यूल अप नहीं कराता, दो रीज़न है। एक तो शहर वगैरह देख लेते हैं थोड़ा चेंज होता है, और दूसरा रीज़न है कि एक्सपेंसिव होता है मोटरवे पे। यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रांस में आपको कम अज़ कम 30 सेंट्स महंगा मिलता है पेट्रोल। ये इनका कोई मेजर पोर्ट सिटी लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी ना वो नज़र आ रही हैं जो क्रेन होती हैं बड़े कंटेनर उठाने वाली। तो अभी देखते हैं वहाँ से राउंड मारते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं, आपको दोबारा अपडेट करते हैं कि यहाँ क्या है। अभी यहाँ साइन आ गया, मोटरवे ख़त्म हो गई है, यहाँ से हम लोग अंदर आ गए हैं सेंटर सिटी में। फाटक बंद हो गई जी, ट्रेन जा रही है जी। मैं जी ट्रेन नहीं, बहुत बड़ी चीज़ जा रही है।
देखें जी, दूर आपको शायद अगर नजर आ रहा हो ग्रीस की ग्रीस की जो पुरानी रोमन्स की जो के ज़माने की कोई द्वार बनी हुई है, मुझे भी इतना हिस्ट्री का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन तो उसी के ज़माने की कोई चीज़ लगती है। यहाँ से कश्तियाँ जो है ना, बड़ी बड़ी जितने भी आती हैं बाइक के मुल्क से, जो चीज़ें आती हैं या यहाँ से जाती हैं, वो इधर पोर्ट है। गाड़ी वाली नहीं है? नहीं, वो वाली नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है। Thank you.
खासा दूर था, जा सकते थे। अभी 12:15 का टाइम तकरीबन हो गया, 3-3.5 घंटे और लगने थे। मैंने कहा तुर्की जाके 3-3.5 घंटे का मतलब होता है आपको उधर खाना खाना ये करना वो करना, तो टाइम लग गया। हमने सोचा ये कि हम 2 घंटे पहले ही रुक जाते हैं, 3 घंटे पहले रुक जाते हैं, 3 घंटे का हम कल सुबह कर देंगे। तो अब हम ग्रीस में एक शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ रहेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकलेंगे। ताकि शहर में पहुंचे तुर्की में कहीं जितना भी सफ़र करना वो तो वो कर लें। तो अभी का ये है कि यहाँ मैंने रूम्स ले लिए हैं, तो मैं जाता हूँ देखता हूँ आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल ये छोटा सा कोई गांव है, आपको मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ सन रूफ खुला हुआ है। छोटा सा ये गांव है, जैसे हमारे पिंड देहातों में होते हैं। Mostarda? No. Yes. Yes. Yes.